हेलो गाइस, मेरे साथ एक बहुत बड़ा पंगा हो गया। जैसे कि आपको पता है, हुआ यूँ कि मैं 15 दिनों से लगातार घूम ही रही हूँ। साउथ इंडिया मैंने कवर किया है और मेरे पास एक्शन कैमरा भी है, जिसमें मैंने पूरी यादें संजो के रखी है। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है। हुआ यूँ कि वो डेटा डिलीट हो गया मुझसे, और लास्ट मतलब क्या बताऊँ, मैं जब से मैं यहाँ आई हूँ 15 दिन का जो भी रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया। और बड़ी स्ट्रैटेजी ये हुई कि आते ही मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ। तो मैं शुरुआत से आपको बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। जब मैं यहाँ आई, महाराष्ट्र के पूना में मैं रहती हूँ, जब मैं यहाँ आई तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया और मैं 5 दिन के लिए एडमिट हो गई। और जब मैं एडमिट होकर डिस्चार्ज होकर मैं यहाँ जब आई, मैंने सोचा कि अपना लैपटॉप तो मैंने बेच के ही मैं ट्रैवलिंग करने गई थी, तो यहाँ आते ही रिफर्बिश सस्ता मिलता है, इसीलिए मैंने सीपीयू खरीद लिया, क्योंकि मेरे पास तो डेस्कटॉप था। तो यहाँ आने मैंने अपना एक्शन कैमरा पीसी से कनेक्ट किया। एक्शन कैमरा का सारा डाटा कट करके पीसी के डी ड्राइव में पेस्ट किया। 40 मिनट रिमाइनिंग टाइमिंग दिखा रहा था, तो मैंने सोचा साफ सफाई कर लेती हूँ। लास्ट के 2 मिनट बचे थे तो देखा कि ये जो डायलॉग बॉक्स नहीं होता है वो दिखाई नहीं दे रहा। शायद गलती से मेरे से केबल हिल गया होगा। तो मैंने सोचा, कभी कभी डाटा ट्रांसफ़र होने के बाद भी नहीं दिखता है ना, तो मैंने डी ड्राइव चेक किया, वो तो खाली था। एक्शन कैमरा मेमोरी कार्ड देखा तो वो भी खाली था। अब मैं क्या बताऊँ यार, तो दिमाग चकरा गया, बीपी, शुगर, गुस्सा, समझ में नहीं आ रहा था, रोना आ रहा था मुझे, क्योंकि इतनी मेहनत मेरी वेस्ट हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने 2-3 दोस्तों को फ़ोन किया, उनको सोल्यूशन पूछा कि क्या किया जाए, डिलीट हो गया है सब डाटा। तो उन्होंने, आपको तो पता है दोस्त कैसे रहते हैं, उन्होंने मुझे सजेशन देने के बजाय उन्होंने कहा, अरे छोड़ दे, क्या ब्लॉगिंग करना है, और रिकॉर्ड कर सकती है। कुछ दोस्तों ने तो बताया कि 500 से 1000 रुपया खर्चा होगा रिकवरी करने के लिए। सोचा फिर बाजार जाके भी रिकवरी 500 रुपया 500-1000 रुपया दे के मैं रिकवरी कर लूँगी कल। तो क्या बताऊँ दोस्तों, मतलब आपने अगर ऐसी मेहनत की होगी और आपके साथ अगर ऐसा इंसिडेंट होता है, तो आपकी सिचुएशन आप समझ सकते हो किस तरह से। आप कोई कितना भी बताए, हमें पता है ना हमारा जो स्ट्रगल हमने किया है वो कैसे होगा। थक हार कर मैंने YouTube पर 10-15 वीडियोस देख डाले, उनके बताए हुए सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किए। कुछ तो कूड़ा थे और कुछ मोस्ट ऑफ तो पेड ही थे। पेड में 2000 से 3000 रुपया मंथली था, और कुछ ट्रायल में थे तो ट्रायल में तो वो 2 GB ही डाटा रिकवर कर सकते थे, तो मेरा तो 100 GB डाटा रिकवरी करना है। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और मैं बहुत टेंशन में हो गई हूँ कि मैं क्या करूँ। थक हार के मैं 2 बजे सो गई। सुबह जब मैं जगी तो फ्रेश मूड से मैं काम पे लग गई। मुझे याद आया कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैंने हार्ड डिस्क में सेव रखा था, तो मैंने वो इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मैंने मेमोरी से कनेक्ट किया और स्कैनिंग पे छोड़ दिया। करीब 1 आवर के बाद 100% स्कैनिंग हो गई। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेव स्कैनिंग करने के बाद मैंने अपने जो वीडियो फोल्डर में रखे हैं, उस फोल्डर के कुछ फाइल, 2 फाइल मैंने बुझे मन से क्लिक किए और टिक करके मैंने रिकवरी पे लगा दिए हैं। उम्मीद तो नहीं है, देखते हैं रिकवरी होगी या नहीं। करीब 250 MB का फाइल है और एक्सपोर्ट फोल्डर में देखती हूँ तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, वीडियो बिना क्वालिटी लूज किए ओरिजिनल प्ले हो रहा है, जैसे ही आप देख रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ये 2 GB तक ही होगा, बट आप यकीन कीजिए, मैंने 80 GB डाटा जो है मेरा रिकवर कर लिया है। मैंने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए कुछ बातें नोट की है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये सॉफ्टवेयर
नए रिसेंटली डिलीट हुए हुए डाटा को जल्दी रिकवर करता है, जो पुराना डाटा आपका डिलीट हो जाता है तो उसको वो करप्टेड फाइल कर देता है। जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैं वो आपको बता रही हूँ। खैर जो भी हो, इस सॉफ्टवेयर ने मेरा डाटा रिकवर किया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए, जरूर समाधान दूंगी, आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। अगर कुछ डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको बहुत सारे वीडियो आने वाली हैं क्योंकि डाटा मेरा रिकवर हो चुका है। तो अब प्रतीक्षा खत्म हुई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।